नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और देखिए, आपका DLED तृतीय सेमेस्टर के लिए हम मैथ को स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 8 आपका चल रहा है और हम जिसमें पढ़ रहे हैं सेट के बारे में। और आज का जो वीडियो नंबर है वो आपका 13 होने वाला है। इससे पहले के 12 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जा करके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम डिटेल में आपको सभी चीज़ों को समझा रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूरक समुच्चय के बारे में जानेंगे। इससे पहले के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज, एग्जांपल्स आए, सब हमने कंप्लीट आपको करा दिए हैं। तो इससे पहले मैंने कराई थी आपको 8.3 एक्सरसाइज, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो पाएँ। तो देखिए, यहाँ पर हम जानेंगे समुच्चय का पूरक क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, समुच्चय माना यदि ए कोई समुच्चय है व यू एक सार्वत्रिक समुच्चय है। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब यूनिवर्सल आपका सेट है, यूनिवर्सल है, यानी जो ए में है सो है ही, और यूनिवर्सल जो सेट होगा उसमें उससे ए से एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आपके देखने के लिए मिलेंगे। तो यू के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए में उपस्थित नहीं है, यानी यू में जो एक्स्ट्रा होगा और ए में नहीं होगा, समुच्चय ए का पूरक कहलाएगा। तो वही ए का पूरक कहलाएगा, इसे हम ए समुच्चय का पूरक अगर हम कहें तो ए डैश बोलते हैं। अब ए डैश बोल रहे हैं, या फिर हम इसे लिखेंगे अथवा यू डिफरेंस ए से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि देखिए, उदाहरण में हम मान ले रहे हैं कि ए बराबर हमें दिया हुआ ए बी सी डी ई एफ, और यू बराबर हमें दिया हुआ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ एन तक दिया हुआ, ठीक है, यहाँ तक दिया हुआ। अब यहाँ पर जो हम कॉम्प्लीमेंट और ऑफ सेट निकालेंगे ए का, तो वो ए डैश होगा। ए डैश होगा यानी यूनिवर्सल सेट से हम इसमें से जो आपका सेट दिया होगा ए वाला, उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। तो इसमें जो कॉमन नंबर निकल के आएगा उसको हम हटा देंगे, और जो यू में होगा परंतु ए में नहीं होगा उस चीज़ को हम यहाँ पर बचा लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए, इसे आप कैसे समझ सकते हो, जैसे ए डैश है, ए डैश है बराबर में आपका यू माइनस ए है, तो आप इसे भूल ना जाओ, इसके लिए मैं इसको आपको समझा देता हूँ। देखिए, जो ज़्यादा होता है उसमें से ही कम वाले को घटाया जाता है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। वैसे तो यहाँ देखिए, जिस कम होता है कम में से भी ज़्यादा घट जाता है, घटा देते हैं तो माइनस में पहुँच जाता है, परंतु हम यहाँ ये मान के चलेंगे कि ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाया जाता है। और जब कम वाले को घटाया जाता है तो बचता कौन है, जो इस यू में एक्स्ट्रा होता है, जो यू में इसमें एक्स्ट्रा होता है, यानी यूनिवर्सल जो आपका सेट होता है उसमें जो एक्स्ट्रा होता है वही यहाँ पे बचता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम देखने के, वही यहाँ से समझ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे देखिए ए डैश हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे यू माइनस ए है, तो हम इसमें देखें जो कॉमन है उसे हम काट देंगे। जैसे ए ए कॉमन है तो इसे हमने ए ए को हटा दिया, बी बी कॉमन है तो बी को हटा दिया, सी कॉमन है तो सी को भी हटा दिया, डी है तो डी को भी हटा दिया, ई है तो ई को भी हटा देंगे हम, और F है तो F को भी हम काट देंगे। जब ये काट दिए तो हमारे पास बचा क्या, जो हमारे पास बचा है वही आपका निकल जाएगा A कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, A का कॉम्प्लीमेंट ये निकल जाएगा यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे जो बच गया है जी एच आई जे के एल एम एन एन तक आपका बच जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, यानी U में जो एक्स्ट्रा है वही बचेगा, और जो A और U में कॉमन होगा वो हट जाएगा। आप समझ गए होंगे आशा करते हैं। नेक्स्ट बढ़ जाएंगे, देखिए दूसरे पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो समुच्चयों के संग तथा प्रच्छेदन का पूरक। देखिए, यूनियन का और इंटरसेक्शन का आपका क्या है, प्रच्छेदन हम देखते हैं। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ अ टू सेट्स, टू सेट्स का हम देखेंगे यूनियन और उनका इंटरसेक्शन देखेंगे। अब देखिए, यहाँ ए बी दो समुच्चय हमने मान लिए हैं जिनका यूनियन यू से यूनियन दर्शाते हैं, और सार्वत्रिक समुच्चय है, यानी दो सेटों का यूनियन दिया हुआ है, और यहाँ पर जो इंटरसेक्शन होता है वो नीचे की साइड पे इस तरीके से मॉक ये हुआ है होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये आपका इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे देखिए, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आपका हो जाएगा बराबर में हमने रखा हुआ है ए डैश, और आपका यहाँ पे बी डैश का जो है वो इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अब इस पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसे इधर उधर भी लिख सकते हैं, जैसे हमने वहाँ लिखा हुआ है, जैसे उसको हमने खोला हुआ है, उसके बाद यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा दिया है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसमें इंटरसेक्शन लगा दिया है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनका दोनों का बराबर में इनको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, बी का ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट ठीक है। तो इसका जब निकालेंगे तो यहाँ पर ये देखेगा आपको, तो यूनियन वाले में इसे हम कर सकते हैं। यूनियन में क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है वो आपका होता है संघ वाला, और इंटरसेक्शन का अलग अलग केस चलता है। तो पहले हम यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में डिटेल में जान लेंगे, उसके बाद इस चीज़ को हम आसानी से समझ पाएंगे और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ क्या होती है। तो चलिए पहले हम यूनियन के बारे में जान लेते हैं। जो यूनियन होता है यानी जो संघ होता है, दो समुच्चय ए बी का संघ से अभिप्राय ऐसा होता है, ऐसा समुच्चय से होता है जो इन दोनों के अवयवों से बनता है, यानी दोनों को मिलाकर ही इस यूनियन को बनाया जाता है। यानी ए में उपस्थित कैंडिडेट्स को भी ले लिया जाता है और बी में उपस्थित कैंडिडेट्स को भी ले लिया जाता है, परंतु जो कॉमन होते हैं उन्हें एक बार ही लिखा जाता है, दो बार नहीं लिखा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, अवयवों से बनता है। इसका ए यूनियन बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा इसे ए संघ बी यानी ए यूनियन बी बोलते हैं, पढ़ते हैं। तो उदाहरण के लिए देखिए, समुच्चय हमने एक सेट माना एस बराबर 4 5 6 आपका एक सेट माना, और यहाँ पर टी सेट माना 7 8, और यहाँ पर हम निकाल रहे हैं एस यूनियन टी। तो एस यूनियन टी यानी जो दोनों में कॉमन मिलेगा वो तो लिखा ही जाएगा, और जो नहीं मिलेगा उसे भी लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, हाल में देख सकते हो, यहाँ पे एस का लिख दिया हमने, यहाँ पर टी का लिख दिया, और एस यूनियन टी निकाल रहे हैं। तो देखिए दोनों में आप देख सकते हो, दोनों का जब यूनियन निकाल रहे हैं तो 4 5 6 ये हमने तीनों लिख दिए पहले सेट के, यानी एस सेट के लिख दिया, और 7 और 8 भी दूसरे सेट का ले लिया। तो इस तरीके से दोनों के जो होते हैं उनको हम ले लेते हैं, यानी सबके हमें लेने होते हैं, सबके ले लेते हैं, पर जो कॉमन होता है उसे एक बार ही लिखना होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो क्योंकि इनका जो यूनियन बनता है तो इन सबके संयोग से ही बनेगा, तो संयोग से बनता है जो, और इंटरसेक्शन होता है वो कॉमन से बनता है, केवल कॉमन कॉमन इंटरसेक्शन में लिया जाता है, जो इस तरीके से होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये इंटरसेक्शन है, इसमें कॉमन ही लिया जाता है। चलिए अब इंटरसेक्शन के बारे में देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखते हैं। देखिए दो समुच्चयों की सर्वनिष्ठता यानी इंटरसेक्शन ऑफ अ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ अ टू सेट के बारे में जानेंगे। दो समुच्चय ए बी हैं, ए बी के उभयनिष्ठ बी यानी उभयनिष्ठ बी ए इंटरसेक्शन बी जिसे बोलते हैं, तो इसमें उभयनिष्ठ को लिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने ए सेट को मान लिया, यहाँ पर बी सेट को मान लिया। अब इसका सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या होगा, यानी जो कॉमन होगा वो क्या होगा, तो इन दोनों में जो हमें कॉमन मिलेगा, यानी इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन मिलना, तो कॉमन मिलेगा उसी को रखेंगे हम इसमें, अन्यथा हम किसी को नहीं रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर 4 है परंतु यहाँ पर 4 नहीं है, तो 4 को हम नहीं लेंगे इंटरसेक्शन के अंतर्गत। इंटरसेक्शन का ये साइन लिखिए, आपको बताया हुआ, देखिए इंटरसेक्शन का ये साइन है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 नहीं मिला, दूसरे में हमें 5 भी नहीं मिला, तो ये तो कट गए, ये नहीं कॉमन में आएंगे, ठीक है। यहाँ पर कॉमन में कौन आएगा, देखिए 6 आएगा, क्योंकि 6 इसमें भी है और इसमें भी है, तो वही हमने यहाँ पे 6 लिख दिया है। फिर हमारा 8 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर 8 तो उसमें भी नहीं है और 9 10 अलग हैं, तो 7 आ जाएगा। यानी दो आपके आ जाएंगे क्या क्या कॉमन, जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर 6 दिख रहा है, यहाँ भी 6 दिख रहा है, यहाँ आपको 7 दिख रहा है और यहाँ भी आपको 7 दिख रहा है, तो यही आपके कॉमन है, तो वही यहाँ पे ले लीजिएगा, यही आपका इंटरसेक्शन होता है। तो इस तरीके से आपका इंटरसेक्शन निकालते हैं, और यूनियन जो है वो आपको हमने बता दिया किस तरीके से निकालते हैं, तो आप समझ गए होंगे। देखिए अब पॉइंट नंबर इसका 5 देख लेते हैं। दो समुच्चयों का अंतर हमको ज्ञात करना है, डिफरेंट ऑफ टू सेट, दो समुच्चय ए बी का अंतर समुच्चय वह समुच्चय होता है जिससे ए के वे सदस्य होते हैं, ए के वे सदस्य होते हैं जो बी में नहीं होते। हमने कहा ना, जैसे मान लीजिए डिफरेंस निकाल रहे हैं, ए डिफरेंस बी तो निकाल रहे हैं, यानी इसमें एक्स्ट्रा होगा तो वही एक्स्ट्रा वाला बचेगा और जो कॉमन होगा वो हट जाएगा इसमें से, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे बताई हुई आपको पहले भी। तो ए बी कहते हैं, यानी ए अंतर बी यानी ए डिफरेंस बी पढ़ते हैं इस चीज़ को। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे देखें, एग्जाम्पल के जरिए से यहाँ पर आपको समझाया भी गया है, आप समझ भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए समुच्चय आपके दिए हुए हैं, ए सेट दिया हुआ है, यहाँ पे बी सेट दिया हुआ है, और ए माइनस बी की बात कर रहा है, तो ए माइनस बी की बात कर रहा है, यानी ए में एक्स्ट्रा वाला पार्ट ही बचेगा, यानी जो ए में एक्स्ट्रा होगा वही पार्ट हमें यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए में कौन सा एक्स्ट्रा पार्ट है, देखिए 6 6 दोनों में है तो ये तो हट ही लेगा, एक्स्ट्रा वाला पार्ट लिखेगा जाएगा, बस 6 6 हट लेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो 9 9 नहीं है, 9 क्या नहीं है, 9 नहीं है इसमें,
जो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे जो हम निकालने हैं डिफरेंस निकालने हैं, जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट ए में है वो हम लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए नाइन की अगर बात करी जाए तो नाइन इसमें नहीं है, और इसमें अगर नाइन की बात करी जाए, एक बार मैं यहाँ पे चेक कर ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए सिक्स है तो सिक्स वाला नहीं लिखा जाएगा, इस सिक्स वाले को काट दीजिए, सिक्स वाला नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ पे और कुछ कॉमन मिल रहा है इसमें, अभी थोड़ा छोटा करता हूँ, मुझे लग रहा है इधर कुछ दुख तो नहीं रहा है, देखिए नहीं है नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सिक्स कॉमन है दोनों में, तो सिक्स तो लिया नहीं जाएगा, हटाओ इसको। आगे देख सकते हो यहाँ पर क्या है, नाइन नाइन, और इसमें नाइन है कहीं, नाइन नहीं है, तो नाइन भी मतलब नाइन इसमें नहीं है, तो इसमें नाइन नहीं है तो यानी नाइन भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा वाला पोर्शन रहेगा, तो इसमें से एक्स्ट्रा वाला पोर्शन मत रख देना, तो ये भी नाइन कट जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर और क्या कॉमन मिल रहा है, 15, और 15 इधर वाले में है, कॉमन नहीं मिल रहा, यहाँ तो इधर 15 है ही नहीं, तो ये 15 भी यहाँ से हट जाएगा। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बचेगा वही लिखा जाएगा, ये एक्स्ट्रा जो बच गया, ये एक्स्ट्रा, ये वाला एक्स्ट्रा हमने जो लिखा हुआ है यही एक्स्ट्रा बचेगा, बस कटता है तो कटता है, बी में एक्स्ट्रा है, बी से एक्स्ट्रा से हमें कोई मतलब नहीं है, जो ए में एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको हमें लिखना होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, इस तरीके से हम आपको सभी कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए। अब जो आपको ये एक्सरसाइज दिख रही है ना, इसके सभी क्वेश्चनों को मैंने अच्छी तरीके से नोट किया हुआ है, नोट्स बनाए हुए हैं, वो मैं अगले वीडियो में आपको कराऊंगा। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए अपनी, और कहीं भी आपको डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको डिटेल में करा रहा हूँ, और इसीलिए ताकि आप अच्छे से इनको कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके थैंक यू।